जज्बों ने मौत को शिकस्त देकर जिंदगी का सफर फिर से शुरू कर दिया। चीन के शहर वुहान में तमाम सफरी पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। दुनिया भर पर मौत के साए की तरह छाए कोरोना वायरस के खात्मे के बाद चीन के सबसे ज्यादा मुतासर शहर वुहान में 76 रोज बाद आने जाने पर आज तमाम सफरी पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। कोरोना वायरस की वबा सबसे पहले चीन के शहर वुहान में सामने आई थी और वुहान को 23 जनवरी को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। तहम कोरोना वायरस को काबू करके चीनी हुकाम ने 76 रोजा लॉकडाउन के बाद वुहान को अमन रफ के लिए खोल दिया है। चीन ने गुज़श्ता दिनों ऐलान किया था कि वो 8 अप्रैल तक 1,10,00,000 नफूस पर मुश्तमिल शहर वुहान में लॉकडाउन खत्म कर देगा, जिसके बाद रात 12 बजे ट्रैफिक हुकाम ने गाड़ियों को सूबा हुबई के दारुल खिलाफा वुहान से बाहर जाने की इजाजत दे दी है। सफरी पाबंदियां उठने पर जैसे वुहान की शहरियों को आजादी का परवाना मिल गया और उनमें जिंदगी की नई लहर दौड़ गई है। दीगर शहरों के वुहान में फंसे लोगों ने सफरी पाबंदियां हटने पर शहर के मरकजी रेलवे स्टेशन वोशिंग का रुख कर लिया है। उसके अलावा हाईवे पर भी गाड़ियों की कतारें लग गई हैं ताकि वो जल्द अज जल्द अपने प्यारों के पास वापस जा सके। चीन में 23 जनवरी के बाद गुज़श्ता रोज पहली मरतबा कोरोना वायरस से कोई हलाकत सामने नहीं आई थी और वहाँ नए केसेस की तादाद भी इंतहाई कम हो गई थी।